यार आज मैं आपको टॉप फोर लैपटॉप बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो अगर आपका बजट 50,000 हो जाता है। एंड भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, उसके बाद भी अगर आपने गेमिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप लाइक अगर आप टीचर हो, कुछ भी करना चाहते हो भाई, अगर आप आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, उसके बाद एनिमेशन करते हो, कार्टून ड्रॉ करते हो, उसके बाद भी अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी करते हो, इन 2021 में आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो एंड अगर आपका बजट 50,000 है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 की बात करो, नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MI Horizon को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, आपको 51,000 के बजट में MI Horizon देखने को मिल जाता है। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, इसका डिस्प्ले, इसका ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा सही है एंड बिल्ड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है। तो भाई अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है या फिर अगर आपने 1080p पर या अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस आपको फुल HD प्लस इसके साथ जो है वेब कैमरा फ्री देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी, जहां अगर आप ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हो, अगर आप मतलब कोई कॉलिंग वगैरह अटेंड करना चाहते हो, तो ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है, 8GB रैम मिल जाती है। माइनस पॉइंट की अभी मैं बात करने लगा हूं, इसका माइनस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि आपको रैम एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर 5 पर रखा, और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता। वैसे एज अ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये लैपटॉप पूरा तगड़ा देखने को मिल जाता है। अगर आपको 8GB रैम बहुत है ना, तो भाई मैं आपको रिकमेंड सीधा करता हूँ, MI Horizon आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, किसी और लैपटॉप की ओर जाने की जरूरत नहीं है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। तो यार लैपटॉप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मैं अभी थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूँ, इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14-inch फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात को विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात को 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 50,000 के बजट में MI Horizon देखने को मिल जाता है। तो यार लैपटॉप सच में पूरा लोडेड है, लेकिन एक सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है, अगर इसका एक्सपेंडेबल करने का रैम को ऑप्शन मिल जाता ना यार, अगर 12GB भी मिल जाता तो इसको यार मैं नंबर 2 पर ही रखता, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले की क्वालिटी, उसके बाद इसकी जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि इस बजट रेंज में आपको किसी लैपटॉप में नहीं देखने को मिलेगा। तो यार इसका माइनस पॉइंट भी है, लेकिन इसके प्लस पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपके बजट रेंज में सेट है या आपके जो स्पेसिफिकेशन है जो आपको चाहिए उसमें सेट बैठता है, तो आप जा सकते हो। आगे बात करते हैं, नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखी है ASUS ZenBook Ultra 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले आपको एक स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, प्लस ये लाइट वेट है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर भी लेकर जाना चाहते हो, अगर आप एज अ ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा शिफ्ट होते हो, तो भाई ये लैपटॉप आपके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 2020 मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको i3 देखने को मिलेगा 11th जनरेशन के साथ। आपको 8GB रैम मिल जाती है, जो कि आप 16GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, SSD देखने को मिलेगी। ये तीन कलर्स में देखने को मिलता है, तीनों कलर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आपको बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन मुझे व्हाइट कलर में ज़्यादा सोना लगा है। तो भाई अगर आपने लेना है व्हाइट कलर, देख लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेशर के साथ है। प्रोसेसर की बातों को i3 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। तो यार इसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। अगर इस बजट रेंज की बात करूँ, आपको 41,000 या 42,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 भी है ना, तो यार ये लैपटॉप आपके लिए बहुत तगड़ा है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक। प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है, MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ, आपको 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। प्राइस की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 41,000 के बजट में या 42,000 के बजट में ASUS VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS VivoBook Ultra 15 के। तो यार मैं पहले सबसे पहले आपको सॉरी बोल देना चाहता हूँ, पहले मैंने ASUS ZenBook आई थिंक कह दिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन VivoBook है, ठीक है। ASUS VivoBook Ultra 15 ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है, लाइट वेट, उसके साथ साथ इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा सही है। यार i3 11th जनरेशन देखने को मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, कोई भी आपने हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना आप इसलिए नॉर्मली कर सकोगे, कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं
नंबर टू की बात करूँ या नंबर टू पर मैंने रखा है एसर एस्पायर 5 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले इसके बजट रेंज की बात करते हैं, आपको 45,000 के बजट में एसर एस्पायर 5 देखने को मिल जाता है। आपको लैपटॉप ये पसंद आने वाला है बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये लैपटॉप बहुत पसंद आने वाला है। आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है, 8GB रैम मिल जाती है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो, प्लस आपको 2GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ही लेता हूँ यार, ऐसे मैं कितना आपको बताऊंगा, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14-inch फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले, प्रोसेसर की बात करूँ i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA GeForce MX3502GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाते हैं। बैटरी की बात करूँ, 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, आपको 45,000 के बजट में एसर एस्पायर 5 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए एसर एस्पायर 5 के भी, ये लैपटॉप पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी करना चाहते हो, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, आप सभी के लिए लैपटॉप बहुत ज्यादा तगड़ा। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ या नंबर वन पर मैंने रखा है एसर एस्पायर 7 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम बात कर रहे हैं 50,000 के बजट की, लेकिन यार अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, मतलब अगर आप 54,000 से लेके 56,000 अगर आप पे कर सकते हो, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है उसके बाद, मतलब अगर आप 4K वगैरह भी ट्राई करना चाहते हो, आपके लिए भी ये लैपटॉप बेस्ट डील हो सकता है। प्लस भाई अगर आपने गेमिंग करनी है उसके साथ साथ, अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को i5 9th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 32GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 1TB HDD भी देखने को मिल जाती है। तो यार स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रहा, एंड भाई रैम को भी आप 32GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। तो भाई अगर आपने प्रीमियर प्रो यूज़ करना है, उसके बाद भी अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो, बिकॉज आपको 32GB रैम तक एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, i5 मिल जाता है, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, यही चीज़ तो चाहिए होती है। प्लस आपको विंडो 10 मिल जाता है, फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राइवेसी के लिए तगड़े होते हैं, ठीक है। बैटरी की बात करूँ, आपको 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 54,000 से लेकर 56,000 के बजट में एसर एस्पायर 7 देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए जो कि आपको 50,000 के बजट में बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। जो भी लेना चाहते हो, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर लेना, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।